हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। बट उसके पहले हम ज़रा रेडियो एक्टिविटी की यूनिट को जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हर एक जो क्वांटिटी होती है उसकी एक यूनिट होती है। जैसे वेट को हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, वेट को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रेडियो एक्टिविटी की भी एक यूनिट है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। रेडियो एक्टिविटी डीके इज एक्सप्रेस्ड इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जो रेडियो एक्टिव डीके है, जिसे हम लेमडा भी कहते हैं, लेमडा, उसकी यूनिट होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियाई टूटे। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। ठीक है, क्यूरी भी होती है, बैक्यूरल भी होती है। तो पहले दिया है वन क्यूरी डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, 1 Ci इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻¹⁰ dPa। मतलब 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन होते हैं पर सेकंड में। मतलब आप कह सकते हैं इतना न्यूक्लियोइड टूट जाता है, इतना न्यूक्लियोइड टूट जाता है। जैसे मैंने बोल दिया, सपोज 10 dPa, 10 dPa मतलब 10 न्यूक्लियोइड पर सेकेंड टूट जाएंगे। वैसे ही अगर 1 Ci है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट का, अगर वैल्यू 1 Ci है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 3.7 × 10⁻¹⁰ डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, जैसे ए टूट के बी और सी दे रहा है, तो ये ए टूटा, इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी की है, ये बैक्यूरल है। बैक्यूरल, जैसे कि द साइंटिस्ट जिसनों जिनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, उनके नाम पे, ये उनके नाम की वजह से है। ठीक है, क्यूरी में सी क्यू है और आई से एंड होता है क्यूरी, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं आई है, इसीलिए आई है यहाँ पे, बाकी उसका कुछ मतलब नहीं है। तो 1 BQ होता है 1 dPa, मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं। 1 Ci होता है 3.7 × 10⁻¹⁰ dPa। तो सिंपल सी बात है, 1 Ci को आप 3.7 × 10⁻¹⁰ भी कह सकते हैं, 1 × 10⁻¹³ भी कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि 1 BQ इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये dPa के जगह पे आप 1 BQ भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको यूनिट ये समझ में आई होगी। सिंपल सा आपको ये जानना है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब कितने न्यूक्लियोइड पर सेकेंड में टूट जाते हैं। हालांकि यहाँ पर सेकेंड में दिया है, जनरली आप देखेंगे न्यूमेरिकल में वो कुछ डेज में भी दे सकते हैं, ईयर में भी दे सकते हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे डीके कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं कुछ। तो मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम अपना जो वीडियो है वो यहाँ पे स्टॉप किया था। और अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझना है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप है मेरी वीडियो नंबर पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब कुछ स्टार्टिंग से देखिए, टेक आउट सफिशियंट टाइम और फिर उसके बाद आप वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आर्गन 41, जिसमें 41 उसका मास नंबर है। ठीक है, ये किस रेट से डीके हो रहा है, 575 BQ। द रेट फॉल्स 358 dPa आफ्टर 75 मिनट्स। वट इज़ दी हाफ लाइफ, वट इज़ दी हाफ लाइफ। तो अपने पास फॉर्मूला है, ये है रेडियो एक्टिव डीके कॉन्स्टेंट, ये है टाइम टेकन फॉर डीके, और ये है एन नॉट, इसका मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्टिंग में कितना था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 575। ठीक है, और बाद में कितना हो गया वो 358। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये है एन नॉट और ये वैल्यू है एन। सर ये कैसे पता चलेगा एन नॉट कौन सा और एन कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, आपको इसके लिए वीडियो देखनी होगी मेरी स्टार्टिंग की, जिसपे मैंने सब डेरिवेशन और सब कुछ बकायदा करके बताया है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, -dN/dt इज इक्वल टू
575 dPs and integration of minus dN by dt is of 358 dPs and t is equal to, ये वैल्यू दी है सब, देखिए जो मैंने आपको बताया था dN और ये n का वैल्यू जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, आप सिंपली उसको फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये था हमारा फार्मूला 2.303 जिसमें उसने टाइम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू रख दी, जी हाँ n नॉट की, यहाँ पे क्या रख दिया n। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो जैसे ही पूरे को कैलकुलेट किया ये सब की वैल्यू कितनी आ गई, 6.32 इंटू 10^-3 पर मिनट। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो प्लीज़ लेट मी नो लॉग कैलकुलेशन, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, सेपरेट वीडियो। बट इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अदरवाइज़ पता चला 100 लोगों का कमेंट है और उसमें से एक लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर एक जिनके लिए वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आपको जो भी तकलीफ़ है मैक्स टू मैक्स लोग कमेंट कीजिए, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोगों को परेशानी हो रही है, वो हिसाब से हम बता देंगे। बाकी ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, आप इसे सिंपली ऐसे ले सकते हैं, लॉग ऑफ 575 माइनस आप कर सकते हैं लॉग ऑफ 358 और जो वैल्यूज आएगी उसको रख दीजिए सिंपली, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, फिर पूरे का आप चाहे तो एंटी लॉग लॉग लेके सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये जो अपना फार्मूला है हाफ लाइफ वाला, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन डीके कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट का वैल्यू अभी हमने निकाला, ये देखिए लेमडा का वैल्यू हमने अभी निकाला, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये 10^-3 ऊपर चले जाएगा और ये कितना हो जाएगा 693/6.32। तो अगर आप देखते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम ले लेते तो 632 हो जाता, तो ऑब्वियसली 100 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 109.7 पर मिनट, ठीक है, एकदम सिंपल सा डेटा सब्स्टिट्यूशन वाला न्यूमेरिकल है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया है, जी हाँ यहाँ पे दिया है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब क्या दे दिया, ये वैल्यू मतलब क्या है, जी हाँ यहाँ पे इसका मतलब है टी हाफ, किसका, P32 का 14.26 डेज दे दिया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ P32 सैंपल विल रिमेन आफ्टर टाइम आफ्टर 40 डेज, तो ये देखिए 40 डेज के बाद, मतलब ये टाइम दिया है उसने, ओके ऐसा, अगर जब भी वो आपसे परसेंट पूछे, जब भी किसी न्यूमेरिकल में अगर परसेंट पूछा जाता है तो आपको याद रखना है एन नॉट को आपको 100 लेना है, 100% इनिशियल जो भी अमाउंट होगा वो 100 होगा, और एन नॉट जो बचा हुआ है, एन नॉट जो बचा हुआ है तो आपको एन नॉट माइनस एन क्या दे देगा, कितना डिके हुआ, डिकेड अमाउंट। तो इसने सिंपली अपने से तो यहाँ पे पहले ये पूछा है रिमेन, मतलब एन का वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है, एन का। तो चलिए देखते हैं हाफ लाइफ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ लाइफ से सबसे पहले हम लेमडा निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये गलती है टेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग, यहाँ पे आएगा लेमडा, जी हाँ यहाँ पे क्या आएगा लेमडा, और फिर देखिए 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये 0.693 अपॉन ये वैल्यू डेज की यहाँ पे रख दी, तो ये हो गए 0.0486 पर डेज, पर डे मतलब एक दिन में इतना टूट रहा है, ठीक है। आगे देखिए लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू अपने को दी है कितना 40 डेज, एन जीरो कितना है 100, अब सब वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये देखिए एन जीरो 100, ये 100% मानते हैं हम, हाँ ये दिया नहीं होगा, यू हैव टू अज्यूम सर 100 ही क्यों बेटा, कुछ जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट सपोज एक्स अमाउंट दिया है तो इसे तो आपको पूरा ही मान के चलना पड़ेगा ना, तो इसे हम 100 मानते हैं, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 40 डेज, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आप देख रहे हैं उन्होंने लॉग टर्म को एक साइड ले लिया और लेमडा टी को एक साइड, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो ये देखिए लेमडा नीचे टी था तो वो इधर आ गया, नीचे क्या आ गया 2.303, और राइट साइड का वैसे ही लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो उन्होंने राइट साइड को सॉल्व कर दिया, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में लेमडा की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके थे, और ये टाइम 40 डेज, ठीक है, तो डेज डेज कैंसिल, और ये 2.303, ये तो हमको टोटल वैल्यू आ गया ये 0.08441। अब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, अब एंटी लॉग क्यों लिए, क्योंकि हमको इस लॉग को हटाना था, इस लॉग को हटाना था,
तो ये देखिए एन नॉट अपॉन एन आ गया, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग टेबल में अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू ही आ जाएगी। डेसिमल एक पॉइंट पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे, और एन इस साइड आ गया, तो एन का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 14.32, मतलब 14.32% बच गया। ओके, अगर उन लोग पूछ लेते कि कितना डीके हो गया, तो सिंपल आप कर देते 100 माइनस 14.32, तो ये कितना आ जाता, जी हाँ ये 8, और यहाँ पे 6, और ये 9 माइनस 5, और ये 85.68% जो है वो डीके हो चुका है। तो बचा कितना है ये, हालांकि उन्होंने ये नहीं पूछा था कितना डीके होगा, तो अच्छी बात है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। चलिए एक बार फिर ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13.4। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एट द सेम टाइम जो भी एंड में चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम बकायदा सॉल्व करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इसमें, और बहुत सारे बच्चे जो क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए मैंने सोचा एक एफ़र्ट लिया जाए और इसे ज़रूर पढ़ाया जाए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है। तो आप इसे मैक्स टू मैक्स बच्चों तक पहचानने की कोशिश कीजिए ताकि जितना ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा उतना ज़्यादा मैं खुद को हैप्पी महसूस कर पाऊँगा या खुशनसीब समझूँगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, 13.4 क्या दिया इसमें, हाफ लाइफ क्लोरीन का है 1.53 सेकेंड। ये हाफ लाइफ मतलब क्या, 1.53 सेकेंड्स के बाद इसका जो भी अमाउंट, सपोज ये 20 ग्राम है तो ये 10 ग्राम हो जाएगा, जो भी अमाउंट है वो इसका आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99.9% सैम्पल ऑफ Cl34 टू डीके, मतलब 99.9% डीके हो चुका है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो हमारा इनिशियल कितना रहा होगा, जी हाँ 100। तो हमें ये जानना है कि बचा कितना, तो 100 में से इसे माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो हाफ लाइफ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले लैम्बडा, हाफ लाइफ से हमें क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ गया जो यहाँ पे देखिए, और फिर लैम्बडा भी हमें पता है, जैसे ये इक्वेशन देखिए, लैम्बडा हमें पता है, और फिर एन नॉट भी पता हो गया, एन भी पता हो गया, तो टी को इजीली हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन्होंने ये दिया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 99.9% ऑफ सैम्पल टू डीके, डीके मतलब पूरा डीके हो चुका है, मतलब ये पूरा टूट चुका है, और हम अपने फॉर्मूले में क्या रखते हैं, एन नॉट क्या होता है, जी हाँ इनिशियल अमाउंट, एंड वॉट इज एन, जी हाँ रिमेन मतलब बचा हुआ, कितना बचा है। लेकिन इन लोगों ने तो टूटा हुआ दिया था, तो हम बचा हुआ पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना था 100, टूट कितना गया 99.9, तो बचा कितना 0.1, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा। अब सिंपल सा क्या करेंगे, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेमडा की जो वैल्यू आई थी 0.453 पर सेकेंड, और यहाँ पे 2.303, और ये टी लॉन्ग, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये टी को आप लेफ्ट में ले लें, इस वैल्यू को यहाँ पे ले लें, देखिए यही किया है वहाँ। अब ये पूरे को सॉल्व किया, लॉग ऑफ ये क्या आ गया 1000, कैसे आया, 0.1 था, ऊपर जाएगा, मतलब इसे 10^-1 मानिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, 100 × 10 विल गिविंग ये 1000, ठीक है। और 1000 का लॉग कितना, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे 3, और 10 का 0 पे 0, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15.25 सेकेंड्स लगेगा, ये इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ट्रिक भी हैं जो कि हम एंट्रेंस में डील करते हैं, तो फिलहाल तो हम बोर्ड्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज़ जब हम एंट्रेंस की वीडियो बनाएंगे सीईटी पे तो आपको ये ट्रिक भी देंगे ताकि इसमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13.5 देखते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, यहाँ पे पी को छोटा दे दिया मेरे ख्याल से, ये पी ओ है पोलोनियम 209 इज 102 ईयर, मतलब 102 साल है इसका हाफ लाइफ, मतलब अगर ये 100 ग्राम है तो इसे 50 ग्राम होने के लिए 102 साल लग जाएंगे,
ठीक है, हाउ मच ऑफ वन वन एम जी सैम्पल ऑफ पोलोनियम डिकेज इन 62 ईयर्स। तो ये हमें टाइम दे दिया बेटा, ये हमें क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, सिंपल सी बात, 62 ईयर्स दे दिया है। और हमें इनिशियल अमाउंट दे दिया है, इनिशियल अमाउंट 1 mg दे दिया है। और इसने पूछा है कि कितना डिके होगा, मतलब इन्होंने पूछा है कि कितना डिके हो जाएगा, समझ में आया। तो इन्होंने एन नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कितना डिके हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या है, एन नॉट माइनस एम। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में एन नॉट माइनस एन पूछा है। क्वेश्चन को एकदम ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है, हाफ लाइफ दे दिया है पोलोनियम का उन्होंने 102 साल, और हाउ मच ऑफ 1 mg सैंपल ऑफ पोलोनियम डिकेज। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, डिकेज मतलब कितना टूट चुका है, जबकि हम अपने न्यूमेरिकल में, हम अपने फॉर्मूले में एन जीरो इनिशियल अमाउंट लेते हैं और बचा हुआ लेते हैं, और इन्होंने क्या पूछा है, जो टूट गया है, जो डिके हो चुका है। तो याद रखना इन्होंने एन नॉट माइनस एन पूछा है, ठीक है। तो एन नॉट माइनस एन जानने के लिए हमें एन नॉट तो पता हो गया 1 mg, तो हमें एन को जानना होगा और एन नॉट माइनस एन करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेमडा को कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ऑलरेडी हमें हाफ लाइफ दिया था, ठीक है। इससे कितना आ गया, 6.794 × 10⁻³ पर ईयर, तो डीके कांस्टेंट आ गया पर ईयर। अब उसके बाद हमने इसे फॉर्मूले में सब्सिट्यूट किया, तो अब देखिए हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया, लेमडा टी अपॉन 2.303, जिसका पूरा आंसर आ गया 0.1829। ये कैलकुलेशन है, सिंपल सा आप कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसके लिए भी लॉग यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है, आगे दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया गया क्योंकि हम इस लॉग को निकालना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू रिमूव दिस लॉग। अब यहाँ पे देखिए एन नॉट दिया है और एन दिया है, और ये जिससे मेरे को इसकी वैल्यू तो आ गई, इस पूरे की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, और एन नॉट का वैल्यू आप सबको पता ही है, एन नॉट का वैल्यू 1 mg जो कि डेटा में दिया हुआ है, और ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया तो मेरे को एन का वैल्यू मिल गया कितना, 0.656, ठीक है। अब ये क्या है एन, तो सिंपल सी बात है, अब मैं एन नॉट माइनस एन करूँगा, एन नॉट माइनस एन करूँगा, जैसे ही वैसे ही मुझको क्या मिल जाएगा, जी हाँ, कितना अमाउंट डिके हो चुका है, कितना अमाउंट डिके हो चुका है, तो 0.344 mg ऑफ पोलोनियम हैज़ बीन डिकेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ थियरी में। तो सबसे पहले ये तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब ये मोड ऑफ डिके। अब मोड ऑफ डिके मतलब क्या है, अब जैसे कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम सब जानते हैं ये टूटता है, ये क्या होता है, जी हाँ, ये टूटता है और छोटे छोटे न्यूक्लियोइड में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा छोटे न्यूक्लियोइड में, ऐसे बाय एमिटिंग सम पार्टिकल, ठीक है। तो ये टूटने की प्रक्रिया कैसे होती है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया एक छोटे सब्सटेंस में, या फिर ये कैन बी रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये टूट के एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया टूट के एक दूसरा न्यूक्लिया देता है, दैट कैन बी रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, और उसके साथ कुछ पार्टिकल एमिट करता है या फिर रेज एमिट करता है, जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनका नाम अल्फा बीटा गामा ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके बाय 3 वेज, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटते हैं 3 तरीके से, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे, या तो बीटा, या तो गामा पार्टिकल। अब ये अल्फा से रिलेटेड डिटेल है, द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियर इज कॉल्ड एज अल्फा डीके। जब न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा डीके। वी हैव लर्नड दैट चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज +2। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, ये होता है हीलियम न्यूक्लियर, ये क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियर, और जो मास होता है वो 4 यूनिट का होता है, इट इज़ आइडेंटिकल विथ हीलियम न्यूक्लियस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेंस एन अल्फा पार्टिकल इज डेजिग्नेटेड एज 2 4He2, इसे ऐसे पढ़ते हैं, 4He2, पहले आप मास नंबर लोगे फिर
सिंबल का नाम लोगे, मतलब एलिमेंट का नाम, और फिर उसका एटॉमिक नंबर। इन अल्फा डीके प्रोसेस द पैरेंट न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस डॉटर एल न्यूक्लियस। मतलब ये जो मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो गया पैरेंट, और ये जो उससे बना है ये क्या हो गया, जी हाँ डॉटर एलिमेंट। सर सन एलिमेंट क्यों नहीं, अरे भाई सन भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब सिलेबस में हमें डॉटर बोल के दिया है तो डॉटर ही लेंगे ना। चलिए आगे देखिए। दी पैरेंट न्यूक्लियस दस लूजेस टू प्रोटॉन, मतलब ये जो पैरेंट है वो दो प्रोटॉन लूज कर देता है एंड टू न्यूट्रॉन। तो अगर सिंपल सी बात बोलूँ तो उसके चार्ज में दो की कमी आती है। कितने की कमी आती है, दो। कैसे, देखिए दो प्रोटॉन लूज किया और मास में चार की कमी आ जाती है। कैसे, दो प्रोटॉन भी लूज करता है और दो न्यूट्रॉन भी लूज करता है। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर किसी ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अगर किसी ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो सिंपल सी बात है उसका एटॉमिक नंबर दो से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर जो है वो चार से कम हो जाएगा। आपको ये बात माननी होगी। आगे देखिए, एटॉमिक नंबर दो से और एटॉमिक मास नंबर चार से। द टोटल मास लॉस्ट इज 4 यूनिट। द डॉटर एल न्यूक्लियस विल देयर फोर हैव 4 यूनिट लेस देन एंड चार्ज टू लेस देन इट्स पैरेंट। सो पैरेंट से कितना कम हो जाएगा, चार्ज दो। यहाँ पे देखिए जेड था, यहाँ पे जेड माइनस टू हो गया और मास कितने से कम हो गया, जी हाँ चार से। तो एक चीज़ याद रखिए, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर चार से कम हो जाता है। और सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाता है, जी हाँ एटॉमिक नंबर दो से कम हो जाता है। आप मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे चल के हम इसी पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल रेडियम 226 डिकेज टू फॉर्म रेडियम 222। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के मास डिफरेंस में कितने का फ़र्क है, जी हाँ 4 का। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें तो अल्फा निकला है दोस्तों। ये देखिए ये 226, ये भी 222, यहाँ पे 88, तो ये कितने से कम हो जाएगा, दो से। तो ये 88, तो ये देखिए हीलियम, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, अल्फा। सर हीलियम और अल्फा के बीच में क्या डिफरेंस है, सर बताइए ना। सिंपल सी बात है, ये हीलियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम के न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में, ओ, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस मान लीजिए पूरा वाला जो डार्क किया है मैंने, अब इसमें से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बन जाएगा अल्फा, मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन गायब, तो वो बन गया अल्फा। नोट दैट इन अल्फा डिके द डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म बिलोंग टू एन एलिमेंट दैट ऑक्यूपाइज टू प्लेस लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए अब यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखिए, ये मान लीजिए हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और सपोज ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये जो ग्रुप है, ये पैरेंट एलिमेंट का है। किसका, पैरेंट एलिमेंट। हम ऐसे जो जा रहे हैं तो इसे कहेंगे पीरियड, पीरियड टेबल में ऐसे ही होता है, और जब भी हम ऐसे आते हैं इसे कहते हैं ग्रुप। तो ये पैरेंट एलिमेंट है, सपोज पैरेंट एलिमेंट में से 2 प्रोटॉन कम हो गए, तो 2 प्रोटॉन कम होने से उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या है, डॉटर एलिमेंट, ये क्या है, डॉटर एलिमेंट। और अगर इसका ग्रुप एक्स है, सपोज इसका ग्रुप एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, X-2। इज दैट क्लियर, मतलब पैरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो डॉटर एलिमेंट बनाता है वो 2 ग्रुप पीछे होता है। तो अगर ये 5वां ग्रुप होता तो ये 3रा होगा, अगर ये 7वां होगा तो ये 5वां होगा, अगर ये 10वां होगा तो ये 8वां होगा, जो भी है। ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। और आगे चल के आप देखेंगे बीटा पार्टिकल एमिट होगा, तो बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। चलिए मैं कोई घाई नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे कि सर बहुत ही तेज़ पढ़ा रहे हो आप, सर बहुत ही तेज़ पढ़ा रहे हो। ठीक है चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैरेंट एलिमेंट जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर देता है तो जो डॉटर एलिमेंट बनता है वो 2 ग्रुप पीछे वाली जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट आ गया बीटा डीके। बीटा डीके द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। यू नो दैट बीटा पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ लेते हैं बीटा डीके के बारे में। तो यहाँ देख रहे हैं बीटा बीटा पार्टिकल, जिसमें ऑलरेडी मैंने अपनी सेकेंड वीडियो में पार्ट टू में काफ़ी डिटेल बताया है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। तो जब भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलेगा तो उसे हम बीटा डीके कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा डीके। यू नो दैट बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन विथ अ चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज और मास किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, -1 का चार्ज, दैट इज़ इक्वल इन टू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है। सेम चार्ज बीटा पे भी होता है और मास तो उसका बहुत कम होता है, मैं बता चुका हूँ 0.0054 AMU, और अगर KG में ले ले तो प्यारो बच्चों और कम हो जाएगा, इट इज़ 9.1 × 10⁻³¹ kg, ऐसा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, अ न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज बीटा पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से न्यूक्लियस से निकलता है तो हम कहते हैं कि बीटा पार्टिकल निकला है, बीटा मत कह देना, बीटा पार्टिकल। एंड अ न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद अ सेम मास नंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मास नंबर सेम होगा, मतलब ए विल रिमेन सेम, ए हमेशा सेम होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? जी हाँ, जेड एक से बढ़ जाएगा, मतलब जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा हो जाएगा। एज ओरिजिनल न्यूक्लियस विथ एन एटॉमिक नंबर दैट इज़ वन यूनिट ग्रेटर, मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन 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 उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा। अब जनरली बच्चों को ऐसा डाउट आता है कि सर ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, यही तो मिस्ट्री है न्यूक्लियस के अंदर की, और इसीलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। आपको 10+2 लेवल पे इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर क्या चेंज हो रहे हैं जिसके वजह से बीटा पार्टिकल निकल रहा है। सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो मास नंबर में कोई कमी नहीं हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जा रहा है, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ जा रहा है। ऐसा कौन सा पार्टिकल निकल रहा है न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन को बढ़ा दे रहा है? तो जी हाँ, वो है बीटा। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, ये कोई पेरेंट एलिमेंट है, ये उसका एटॉमिक मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर, तो देख रहे हैं एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया और ये निकला बीटा पार्टिकल। इसे क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। सर लेकिन ये ऐसे कैसे हो जाता है सर कि अंदर न्यूक्लियस के कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसमें से जो बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो वो प्रोटॉन के नंबर को बढ़ा दे रहा है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 80 पार्टिकल होते हैं, समवट अराउंड 83 to 85 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है सच एज युकावा, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, पाइकॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल। तो बीटा निकलने से न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन होता है, एक पार्टिकल दूसरे में कन्वर्ट होता है। अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो मैंने अपने हायर एजुकेशन में पढ़ी है तो आप चौंक जाओगे। न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होती हैं, उसमें भी शेल बनती है, जैसे इलेक्ट्रॉन का शेल बनता है ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी शेल बनता है। अरे सर रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ बच्चों। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बीटा पार्टिकल निकलने के बाद एटॉमिक नंबर जो है वो एक से बढ़ जाता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ये देखिए, ए डज नॉट चेंज, द एटॉमिक नंबर चेंजेस, जो एटॉमिक नंबर है वही चेंज होगा। एग्जांपल ऑफ बीटा डीके, नेपच्यूनियम 238 93। तो आप देख रहे हैं 93 से वो क्या हो जाएगा 94, बट मास नंबर देखिए नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का सेम 238, और ये है हमारा बीटा पार्टिकल। तो देखिए आप, बीटा पार्टिकल के निकलने से जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है प्लूटोनियम 241
94, देख रहे हैं यहाँ पे 94 से 95 हो गया और ये वापस 241 ही है, तो ये हो गया अमेरिशियम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको कि जब बीटा पार्टिकल कोई एक एलिमेंट रिलीज़ करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसका जो ग्रुप नंबर है वो एक बढ़ जाता है किसके कंपेयर में, पैरेंट एलिमेंट। चलिए वही एग्जांपल, सपोज ये पैरेंट एलिमेंट है और इसने क्या एमिट किया, जी हाँ इसने एमिट किया बीटा पार्टिकल, तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा, उसका ग्रुप हो जाएगा ये, उसका ग्रुप ये क्या बन जाएगा, डॉटर एलिमेंट। ठीक है, अब ये एक ग्रुप आगे क्यों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉटर एलिमेंट फाउंड बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। सर इसके पहले तो पैरेंट एलिमेंट ने अल्फा पार्टिकल भी एमिट किया था, तो उसके लिए आपने कुछ लिखा नहीं, जी उधर भी लिख देता हूँ, ये जो डॉटर एलिमेंट है ये इज फाउंड बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसके एमिशन से, जी हाँ अल्फा पार्टिकल के एमिशन से। सो सर ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये क्या है, पैर बच्चों ये ग्रुप है, तो ऐसे पीरियड टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18, तो सर आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 ही बनाए, तो बच्चा हम आगे भी बना सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, पीरियॉडिक टेबल नहीं। हालांकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी है पीरियड टेबल पे वीडियो बनाने के लिए, उस पर भी बनाएंगे। चलिए आ जाते हैं हम अपने गामा डीके पे, तो यहाँ पे है गामा डीके। गामा रेडिएशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकॉम्पनाइंड विथ अल्फा एंड बीटे डीके प्रोसेस, मतलब गामा पार्टिकल भी निकलते हैं जब अल्फा एंड बीटा निकलता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, गामा के निकलने से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होता, जी हाँ सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो एनर्जी पे, किसके एनर्जी पे, जी हाँ जो डॉटर न्यूक्लियोइड बनते हैं उसकी एनर्जी पे। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, गामा के रिलीज होने से एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन विच एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेज डिकेज टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रोडक्ट विथ एमिशन ऑफ गामा रेज। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं, द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन विच एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट डिकेज टू ग्राउंड स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट विथ एमिशन ऑफ गामा रे। सपोज ये पैरेंट एलिमेंट है और ये डिसइंटीग्रेट करके डॉटर एलिमेंट देता है, तो ये डॉटर एलिमेंट जो है ना ये एनर्जेटिक स्टेट में होता है, ये फिर टूट के ग्राउंड स्टेट में आता है, और जब ये डॉटर एलिमेंट एनर्जेटिक स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है ना तभी ये एमिट करता है गामा पार्टिकल। मतलब पैरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या बना, डॉटर एलिमेंट, बट डॉटर एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो कहाँ आता है, जी हाँ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी जिस पे वो स्टेबल रह सके उस पर्टिकुलर टाइम में, तो जब वो डॉटर एलिमेंट एक एनर्जेटिक स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो एमिट करता है, जैसे कि आपने बोर मॉडल में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट स्टेबल इन दी हायर एनर्जी स्टेट, हेंस इट जंप्स बैक टू ग्राउंड एनर्जी स्टेट बाय एमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यूरेनियम 238, ये यूरेनियम 234, क्यों कम हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकला, और ये 92 और ये 2 से कम होके 90, क्योंकि अल्फ़ा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, ये 2 से कम हो जाएगा और ये 4 से कम हो जाएगा, और ये देखिए गामा निकला, तो यूरेनियम से क्या बना, थोरियम। अब यहाँ पे देखिए, यूरेनियम 238 एमिट अल्फ़ा पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी, अल्फ़ा पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट एनर्जी, एक एनर्जी क्या है 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा कितना है 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 77%, मतलब इसकी एनर्जी 77% होती है, समझ में, मतलब इसके इसके ये जो परसेंट दिया है उसका मतलब क्या, जो दो एनर्जी वाले पार्टिकल निकलते हैं उसमें इसका जो परसेंटेज होता है वो 77 होता है और इसका परसेंट कितना होता है 23%। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4.147
अब इसमें जनरली बच्चे को डाउट आता है कि सर ये 23% क्या है और ये 77% क्या है। तो देखिए, जब भी यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है तो वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है, ओके। और अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन जो एमिट करता है वो दो टाइप के अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं। एक होता है जिसका एनर्जी 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक का 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिसमें से 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करने के जो चांसेस हैं वो 77% है। मतलब अगर 100% अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो उसमें से 23% जो होंगे, 23% उनकी एनर्जी इतनी होगी, और 77% वाले की एनर्जी इतनी होगी। मतलब ज़्यादा चांस किसके होते हैं? जी हाँ, 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी की। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट होता है, तब थोरियम-234 एक्साइटेड स्टेट में होता है। वापस बोलता हूँ, जब भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है, कौन सी एनर्जी का? 4.147, मतलब 4.195 से कम वाला। अब कम वाला है मतलब क्या? पूरी एनर्जी जितनी एनर्जी और एक्स्ट्रा एमिट कर सकता था। मतलब अगर चलो डिफरेंस ही लेके मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सपोज 4.195 है और यहाँ पे कितना है? 4.1147। तो 15 में से 7 गए तो कितने आ गए? जी हाँ 8। और ये 8 में से 4, 4, और ये 0। मतलब 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और ये एमिट कर सकता था, बट ये इसने कितनी एनर्जी रेड की? सिर्फ 4.147, मतलब 0.048 मेगा इलेक्ट्रॉन कम एमिट किया। तो इतनी एनर्जी थोरियम के पास होती है, और वो कौन से स्टेट में होता है? जी हाँ, एक्साइटेड स्टेट में। और वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यही एनर्जी को एमिट करता है एज एन गामा रे। तो आप याद रखना कि जब भी 4.147 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो जो डॉटर एलिमेंट होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, और वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा पार्टिकल एमिट करेगा। तो सर क्या 4.195 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं एमिट करेगा इतनी एनर्जी? जी हाँ, वो नहीं करेगा, वो गामा पार्टिकल को एमिट नहीं करेगा। बट आप इस बात को समझो, जब भी यूरेनियम-238 थोरियम-234 में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों निकलते हैं, जिसमें से इसके निकलने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? 23%। और 4.195 के कितने होते हैं? 77%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब 4.147 का निकलेगा तो वो कितनी एनर्जी और एमिट कर सकता था? जी हाँ, 0.048। और वो कौन से फॉर्म में निकालेगा? जी, गामा रे के। चलिए आगे देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन। पूरे चैप्टर में हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो देख ही लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन होते क्या हैं। वी हैव सो फार डिस्कस नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन थ्रू नेचुरल स्पॉन्टेनियस, जो खुद से होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब द वन विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, खुद से होना, जैसे पलक का झपकना। ठीक है सर, ये कौन से सिंपल एग्जाम्पल ले लिए? ठीक है, जैसे हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना, ये खुद से होता है। नाउ वी कंसिडर नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन मतलब ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें से न्यूक्लियस से पार्टिकल निकलते हैं, बट ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। ये कौन से हैं? मैन मेड। और ये कैसे होते हैं, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इन टू अनादर न्यूक्लियस, जिसमें हम एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। वो न्यूक्लियस स्टेबल भी हो सकता है या फिर अनस्टेबल भी, मतलब सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, दो में। ये स्टेबल भी हो सकता है और ये अनस्टेबल भी हो सकता है। अब ऐसा मत सोचिए कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस आएंगे, यही न्यूक्लियस या तो स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है या फिर यही न्यूक्लियस अनस्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। हाउएवर, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटीज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वेयर द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव। ये ऐसा बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा वो अनस्टेबल ही आएगा, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में। चलिए अभी हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में। जैसे कि आप जानते ही हो, मैंने अपनी पार्ट वन की वीडियो में ही बता दिया था कि हम इस चैप्टर में न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं।
ना कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। अब क्या नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है और क्या न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बाय अटैकिंग बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे, जैसे सपोज ये ले लीजिए H2 हो गया, और ये किससे रिएक्ट हुआ, O2 से, और इसने क्या बना दिया, H2। चलिए बैलेंस कर देते हैं 2 और 2। तो इसमें आपने देखा रीअरेंजमेंट हुआ कैसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हुआ, और ब्रेक क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और फिर ये किस, एक नया बॉन्ड बन गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यही था रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड। ब्रेक किसका हुआ, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड, और बना किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एलिमेंट्स और आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट आर कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे अभी आपने देखा यूरेनियम 238 किस में कन्वर्ट हो गया, जी हाँ थोरियम 234। आपने अभी ये देखा जो सुपर ही हमने एक्सप्लेन किया था, इसमें एक न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे न्यूक्लियस में। और इसमें हम कुछ बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एटम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, चार्ज बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बैलेंस कर रहे हैं इस पूरे रिएक्शन में, जी हाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम बिहेवियर। ठीक है, जब हम उनके केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इन सब का केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट बिहेव्स डिफरेंटली, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट बिहेव्स डिफरेंटली। जैसे यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, दोनों का बिहेवियर एकदम अलग है, दोनों का बिहेवियर एकदम अलग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा मैंने ऊपर एक रिएक्शन बताया था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो अब इसमें क्या लिखा है, ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जी हाँ 6। तो इसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 2। इसीलिए यही पार्टिसिपेट करते हैं और 2 ही बॉन्ड बनता है और ये बन जाता है H2O। बाकी के इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लीन लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये 2, ये 3, ये 4 और ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए उसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना, जी हाँ 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए वो सिर्फ 1 ही बनाता है ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। क्या, जी हाँ डुप्लेट। अब यहाँ पे देखिए, इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल में भी इन्वॉल्व। जैसे कि आपने देखा न्यूट्रॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी चेंज होता है और कुछ पार्टिकल निकलते हैं जैसे बीटा जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आपने सुना होगा पॉजिट्रॉन भी, पॉजिट्रॉन ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें तो सिर्फ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले चीज़ें रिएक्ट करती हैं, बट इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। द केमिकल रिएक्शन इज़ अकॉम्पनाइड बाई रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि 1 ग्राम मीथेन जनरली 56 किलो जूल ऑफ एनर्जी देता है जब वो जल जाता है। मतलब जब CH4 किससे रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन से, और ये देगा क्या, CO2 प्लस H2O। चलिए बैलेंस भी कर देते हैं, ये 2H2O और ये ऑक्सीजन 2O2। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा सिर्फ 1 ग्राम, हाँ इसमें सिर्फ 1 ग्राम जब मीथेन जलेगा तो 56 किलो जूल की एनर्जी देगा। हालांकि ये एनर्जी भी सफिशियंट है, बहुत एनर्जी है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के कंपेयर में ये काफ़ी कम है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर कितना देता है, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज अकॉम्पनाइड बाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा कि सन के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शन ही होते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सोच सकते हो सन कितना बड़ा एनर्जी का सोर्स है। बट फिलहाल तो हम जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है वो ले लेते हैं। द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 रिलीजेज 8.2 into 10 to the power
7 किलो जूल, आप देख रहे हैं इससे कितना गुना ज़्यादा है ये, आई कैन से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा है, इतना ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ करता है। आगे देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, इसमें जो केमिकल रिएक्शन है जैसे H2+O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। थोड़ा सा हीट करेंगे या फिर कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम ले लेंगे तो ये रिएक्शन होगा। मतलब ये रिएक्शन कराने के लिए हमें टेम्परेचर में चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा कैटलिस्ट भी लेना पड़ा ऐसा, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता और ये कुछ भी अफेक्टेड नहीं होते। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ता, कैटलिस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं फ़र्क पड़ता, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो शायद हीट ज़्यादा रिलीज़ होगी, लेकिन रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था डिफरेंस बिटवीन के नॉर्मल केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। चलिए, वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंड्यूस और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन मतलब न्यूक्लियर में चेंज, इन विच स्टेबल न्यूक्लियस इज़ कन्वर्टेड इंटू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस स्टेबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियो एक्टिव में। द प्रोडक्ट न्यूक्लियस डिके स्पॉन्टेनियसली विथ एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल। तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, मतलब जो डॉटर एलिमेंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो टूट जाता है और खुद खुद क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल है स्टेबल बोरॉन 10, कुछ के ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वो नाइट्रोजन 13 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पॉजिट्रॉन को एमिट करता है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक एलिमेंट के ऊपर एक पार्टिकल से एमिशन, एक पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया जाता है और वो एक डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। वो डॉटर एलिमेंट स्टेबल नहीं होता और वो स्टेबल होने के लिए पार्टिकल्स को एमिट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बोरॉन 10 के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट हुआ, हीलियम। तो हम सब जानते हैं कि जब भी हीलियम अटैक करेगा, यहाँ पे हीलियम अटैक करेगा तो बोरॉन में क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे। एक्चुअली हीलियम नहीं है, ये है अल्फ़ा पार्टिकल। क्या है ये, अल्फ़ा पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो बन गया नाइट्रोजन 13 एंड 7। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 7 आ गया और ये कितने से चेंज हो गया, 13 से, मतलब एक न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ। सर, लेकिन आपने बोला था जब भी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा, बेटा यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट नहीं हुआ है, यहाँ पे हम बम्बार्ड कराते हैं। एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है। यहाँ पे हम अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ये अलग चीज़ है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। अब आगे देखिए, नाइट्रोजन 13 एंड 7, ये स्टेबल है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी हाँ, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 13 एंड 6 में। ठीक है, और इसने क्या एमिट किया, पॉजिट्रॉन, और ये रेडियो एक्टिव है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। तो नाइट्रोजन 13 कार्बन 13 में कन्वर्ट हुआ, ओके, और एक पॉजिट्रॉन को एमिट करके, सॉरी, हाँ, ये पॉजिट्रॉन है ऐसे। चलिए आगे देखिए, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्या बोला यहाँ पे, मैग्नीशियम 24 एंड एल्यूमिनियम विथ बोथ अंडरगो अल्फा रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव। दीज एमिट बीटा पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, राइट अ बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बोथ। तो देखिए, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये Mg है, जी हाँ, ये कितना है, 12, और ये क्या है, Mg का एटॉमिक मास नंबर 24, और इसके ऊपर हीलियम ने अटैक कर दिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये क्या बना देगा, जी हाँ, ये बना देगा यहाँ पे 27 वाला, और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा 13+N01। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव है, कौन, एल्यूमिनियम 13, 27 एल्यूमिनियम 13, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 24 था, ये कितना था, 4, 24+4 क्या होगा, जी हाँ 28, बट मैंने कितना लिखा, 27, और एक न्यूट्रॉन एमिट किया,
एटॉमिक नंबर 12, 12 प्लस 2 14, बट यहाँ पे क्या लिखा 13। ओ, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो चेंजेस आएंगे। आ, 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 ये तो हो जाएगा सिलिकॉन आई थिंक। वेट 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 वेट, यहाँ पे तो गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 27 सिलिकॉन, और ये हो गया 14, ठीक है, और प्लस N01। अब ये सिलिकॉन जो है ये क्या एमिट करेगा? जी हाँ, ये एमिट करेगा बीटा पार्टिकल, सॉरी सॉरी, ये एमिट करेगा पॉजिट्रॉन। यहाँ पे बीटा दिया है, चलिए बीटा ही कराता हूँ। 14 और ये 27 एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, एक यहाँ पे बीटा कैसे होगा? जी हाँ, -1e0, मतलब मास नंबर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा, तो वो हो गया 13। तो सिंपल ये रिएक्शन आप देख रहे हैं। चलिए, आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं एक बार फ्रेश पेज पे लिखता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए इसे क्लीन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम था कितना 24, और उसका एटॉमिक नंबर 12। इसके ऊपर किससे बम्बार्डमेंट कराया गया? हीलियम से। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो यहाँ पे, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, सॉरी, ये 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, और ये 24 + 4 28, बट हम लिखेंगे 27, क्योंकि साथ में हमारा एक न्यूट्रल पार्टिकल भी निकल रहा है, ये 0 और ये 1। तो 27 और 14, 14 एटॉमिक नंबर वाला कौन होता है? जी हाँ, सिलिकॉन। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे, और उसने बोला है कि सिलिकॉन 27 14 वो एमिट करता है बीटा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा -1e0, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 13, जो कि है एल्यूमिनियम, और ये 27। तो ये किसका हो गया? जी हाँ, ये हो गया मैग्नीशियम का। अब हम देख लेते हैं लगे हाथ एल्यूमिनियम का। तो ये एल्यूमिनियम है, कितना एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का? 13, और एटॉमिक मास नंबर 27, और ये अल्फा पार्टिकल। तो ये कितने से चेंज हो जाएगा? जी हाँ, ये हो जाएगा 14। तो ये भी हो गया सिलिकॉन, और ऊपर हो जाएगा 27 + 4, 27 + 4 कितना हो जाएगा? 31, लेकिन हम लिखेंगे 30, क्योंकि हमें एमिट करना है एक न्यूट्रॉन। ओ ओ ओ ओ, वापस गलती हो गई, नीचे तो एटॉमिक नंबर 15 होगा। सॉरी सॉरी, ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे N10। ओ ओ ओ ओ, ये क्या लिख दिया, ये 0 और ये 1। ये 0 रिप्रेजेंट करता है चार्ज, और ये रिप्रेजेंट करता है मास, तो यूनिट मास बट चार्ज 0। और 15 किसका होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, फॉस्फोरस। ओके, अब यहाँ पे फॉस्फोरस 15 30 एमिट करेगा बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद ये कितना हो जाएगा? जी हाँ, ये हो जाएगा 16, और ये 30 ही रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, E-1, 0, ठीक है। और ये 16 किसका हो गया? बोलिए बोलिए, सल्फर। ऐसे तो आप देख रहे हैं, जो भी हम डॉटर एलिमेंट बनते हैं, जो भी हम डॉटर एलिमेंट बनाते हैं, उनका बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद, बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद एटॉमिक मास नंबर एक से बढ़ जाता है। ओके, और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया था, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया था? 15, बट सॉरी, एटॉमिक नंबर 15, और एटॉमिक मास नंबर होना कितना चाहिए था? 31, बट हमने लिखा 30, क्योंकि हमें एक एम मास यहाँ पे भी देना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, बट वैसे डाउट तो आएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये था सब कुछ डिटेलिंग, अब बढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन वर्ड का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है जोड़ना। इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ, जैसे मैंने बताया, हेवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स,
टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स, मतलब एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस देता है, अकॉम्पनाइड बाई रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलती है इसमें. वेन अ यूरेनियम न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन, जब यूरेनियम का न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करता है, ये टूट जाता है और देता है ढेर सारी हीट एनर्जी. ओके, और उसके साथ ये न्यूट्रॉन देगा और कुछ अदर रेडिएशन, मतलब कुछ डॉटर एलिमेंट भी बनाएगा. चलिए देखते हैं यहाँ पे. तो ये दिया है हमको यूरेनियम का रिएक्शन. आप देख रहे हैं यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया और यहाँ पे क्या मिल गया, बेरियम 142 और ये 91. ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 234. यहाँ पे देखा आपने 142 प्लस 92. ठीक है, और अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो ये आ जाएगा 232. ये आ जाएगा 230. बराबर, ये दोनों आ जाएगा 233. और फिर ये 56 और ये 36, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 92. मतलब एक यूरेनियम के न्यूक्लियस ने टूट के हमें दे दिया एक बेरियम और एक क्रिप्टिन, और उसके साथ तीन न्यूट्रॉन और ढेर सारी एनर्जी. ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, ये 10^7 किलो जूल की अप्रॉक्सीमेटली होती है. ईच फिजन में लीड टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट, हर एक फिजन अलग अलग प्रोडक्ट देता है. द मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट इज़ लेस देन द पैरेंट न्यूक्लियस. पैरेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है उसके कंपेयर में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मास कम होता है. इसे ये 235 है, बट इनको जोड़ोगे तो ये 233 ही होगा, तो ये कम हुआ किससे, यूरेनियम 235 से. वेन वन यूरेनियम 235 न्यूक्लियाइड अंडरगो फिजन, थ्री न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड. ये देखिए तीन न्यूट्रॉन निकले हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है, तीन न्यूट्रॉन विच सब्सिक्वेंटली डिसइंटीग्रेट इंटू थ्री मोर यूरेनियम न्यूक्लियर एंड देयर बाय प्रोड्यूस 9 न्यूट्रॉन्स. इसका मतलब क्या है, ये तीन न्यूट्रॉन जा के ऐसे यूरेनियम से टकराएंगे, यूरेनियम से, और हर एक यूरेनियम को मजबूर कर देंगे तीन 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 रिपीट करने के लिए. तो टोटल कितने न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 9. मतलब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से, तो तीन न्यूट्रॉन वो देगा, फिर ये दूसरा न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से, फिर वो तीन देगा, ऐसे तीसरा तीसरे से, तो टोटल 9 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे. सच अ चेन कंटिन्यूस, तो ये एक बेसिकली चेन रिएक्शन हो गया. मतलब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो फिर यूरेनियम पे अटैक करते हैं और फिर न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करवाते हैं. सच अ चेन कंटिन्यूज बाई इट सेल्फ, मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ही होता है. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम न्यूमेरस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है. विच कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो एक गंदे तरीके से यूज़ हो सकती है या फिर पीसफुल पर्पज़ से यूज़ हो सकती है. पीसफुल पर्पज़ मतलब जैसे पावर प्लांट, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये जो बहुत सारी एनर्जी है वो यूज़ हो सकती है, या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं. तो न्यूक्लियर वेपन में तो आप जानते ही हैं प्यारे बच्चों, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान आज भी स्ट्रगल कर रहा है. देर इज़ नो यूनिक वे फॉर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 दैट प्रोड्यूसेस बेरियम एंड क्रिप्टन, एंड 400 वेज फॉर फिजन ऑफ 235 लीडिंग 800 फिजन प्रोडक्ट्स. मतलब ऐसा कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स तरीका नहीं है कि आप यूरेनियम पे न्यूट्रॉन अगर बम्बार्ड कराओ तो आपको बेरियम और क्रिप्टन ही मिलेगा. एक्चुअली ये जो बम्बार्डमेंट वाला रिएक्शन है यूरेनियम का, जब हम उसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं तो 400 तरह से रिएक्शन हो सकते हैं. कितने तरह से, 400, और टोटल 800 प्रोडक्ट बन सकते हैं. ऐसा हुआ है, सोचिए कितनी अजीब सी चीज़ है, कितना मिस्ट्री भरा प्रोसेस है. इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट कॉल्ड एज केमिस्ट्री, जो कि फुल ऑफ मिस्ट्री है. ओके, तो मैं वापस एक बार बोल दूंगा, जब यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो 400 तरह से रिएक्शन हो सकता है और जिसमें 800 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. मेनी ऑफ दीज रेडियो एक्टिव विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन गिव राइज टू अ न्यू एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल. सिंपल सी बात है, जब न्यूक्लियस टूटेगा तो वो न्यू एलिमेंट तो प्रोड्यूस करने ही वाला है. ऐसा है. इंटरेस्टिंगली ईच फिजन एमिट्स 2 to 3 न्यूट्रॉन, हर एक फिजन 2 to 3 न्यूट्रॉन तो एमिट करता ही है, एन एवरेज ऑफ 2.5. मतलब हर एक फिजन में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकल ही जाता है. अगर आप एवरेज ले ले तो 2 और 3
तो ऐड कीजिए, दो से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2.5। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन ड्यू टू न्यूट्रॉन एमिशन? ऑब्वियसली दीज न्यूट्रॉन एमिटेड विच यील्ड मोर न्यूट्रॉन्स, दीज न्यूट्रॉन्स अगेन ब्रिंग फोर्थ फिजन प्रोड्यूसिंग फर्दर न्यूट्रॉन, दीज प्रोसेस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली लीडिंग टू चेन रिएक्शन। मतलब ये एक कंटिन्यूस रिएक्शन होता है जो कि मैंने अभी बताया, एक रिएक्शन से तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो तीन न्यूट्रॉन से फिर नाइन होंगे, और फिर नाइन से हर एक से तीन, हर एक से तीन, तो टोटल नाइन से कितना, 27 न्यूट्रॉन्स, और ये कंटिन्यूस होते रहेगा। ओके, बॉम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन को आप छोड़ दोगे तो भी उसके बाद जो, मतलब जो प्रोड्यूस हुए थे वो, एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब भी एक फिजन होता है तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक न्यूक्लियस यूरेनियम जब टूट के दो प्रोडक्ट देता है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितना होता है, जी हाँ, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2.5 न्यूट्रॉन्स जब एमिट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए क्या दिया है, डू यू नो द चेन रिएक्शन इन फिजन ऑफ यूरेनियम 235 बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद ही हो जाता है, इसे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम 235? इट इज़ 47 kg। अब ये क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल मास मतलब कितना कम से कम मास हम ले, कितना कम से कम हम मास ले कि वो रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। मतलब ऐसा कौन, ऐसा मास जिस पे रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहे, रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली होते रहे, तो उसी को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। क्रिटिकल मास मतलब दैट मास विच स्पॉन्टेनियसली कैरी आउट द चेन रिएक्शन। मतलब यूरेनियम का कितना मास लोगे कि उसका चेन रिएक्शन अपने आप होते रहेगा, तो वो है 47 kg। द चेन रिएक्शन अकर्स सो रैपिडली दैट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रिजल्ट। इतना फास्ट ये रिएक्शन हो जाता है कि इसमें इतनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है कि वो एक्सप्लोजन कर देती है। दिस इज़ वॉट हैपन्स इन एटोमिक बॉम्ब। यही एटोमिक बॉम्ब का फंडा है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जोड़ने वाला प्रोसेस। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन इज़ अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। ये आगे न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस जुड़ के एक न्यूक्लियस बना देते हैं। इन दिस प्रोसेस द लाइटर न्यूक्लियाई कम्बाइन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस विच इज़ अकॉम्पनाइड बाई इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें भी ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्यूजन रिएक्शन अकरिंग इन द सन एंड स्टार्स आर। अब आगे जो है हमें एग्जाम्पल दिया है जो रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोटियम है हाइड्रोजन के आइसोटोप दोनों। दो प्रोटियम मिलके ये दे रहे हैं, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। और यहाँ पे क्या निकल गया, जी हाँ, बीटा पार्टिकल। अब ये देखिए ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम ने मिलके क्या दे दिया, हीलियम। ओके, ऑलमोस्ट हीलियम जैसा ही है यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर ये हीलियम जैसा मिलके एक एग्जैक्ट हीलियम बना देता है, एग्जैक्ट हीलियम। और वापस कितने प्रोटियम रिलीज होते हैं, दो प्रोटियम। ओके, और एक हीलियम का आइसोटोप और एक प्रोटियम मिलके एक हीलियम बना देते हैं, और यहाँ पे रिलीज हो जाता है एक बीटा पार्टिकल, सॉरी, एक पॉजिट्रॉन एमिट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो टोटल ये दो और ये एक तीन, तो इधर भी तीन होना चाहिए, तो ये दो ही है तो ये एक तीन होना चाहिए, और प्लस वन ई नॉट होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, चाहे तो इस रिएक्शन को याद भी कर सकते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल दिया है, तो चलिए न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर एमिटेड इन द फॉलोइंग। अब देखिए नेपच्यूनियम 237 से 209 हो गया और नेपच्यूनियम 93 से बिस्मत 83 हुआ। मतलब मैं इसे एक फ्रेश पेज पे लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मास जो है 237 से 209 हुआ, मतलब हम चेंज देख लेते हैं, 237 माइनस 209, ठीक है, कितना हो गया ये, 17 माइनस 9 कम्स आउट टू बी 8, 2 आ गया और ये 0, 28 से एटॉमिक मास नंबर कम हुआ है।
आप देखेंगे यहाँ पे जो पैरेंट एलिमेंट है और जो डॉटर एलिमेंट है, जो बिस्मथ है, उसका एटॉमिक मास नंबर 28 से कम हुआ है। कितने से? 28 से। तो क्वेश्चन है कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हो गए? तो यहाँ पे देखिए, एक अल्फा पार्टिकल एटॉमिक मास नंबर को 4 से कम कर देता है, और हमारे केस में कितने से कम हुआ है? जी हाँ, 28 से। कितने से? 28 से। तो ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक्स ले लेता हूँ मैं, तो एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 28 इंटू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 28/4, 7 अल्फा पार्टिकल। कितना सिंपल है, 7 अल्फा पार्टिकल, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आए? जी हाँ, 7 से। तो एक को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, टोटल कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे? जी हाँ, 7। मैं वापस बताता हूँ, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाता है। कितने से? 4 से। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे ताकि एटॉमिक मास नंबर 28 से कम हो जाए? तो 1 से 4 कम होता है, तो 2 से कितना कम होगा? 8, 3 से 12, 4 से 16, 5 से 20, 6 से 24, 7 से 28, इसीलिए 7 अल्फा पार्टिकल। ओके, और देखते हैं आगे, और यहाँ पे देखिए मास नंबर कितने से कम हुए, मास नंबर कितने से कम हुए? जी हाँ, मास नंबर कितने से कम हुए? 28। एटॉमिक नंबर 93 to 83, 93 to 83, मतलब कितने से कम हुआ? 10 से, 10 कम हुआ, बराबर। अब जरा आ जाइए फिर उसी कैलकुलेशन पे। हम सब जानते हैं जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितने से कम हुआ? 10 से। कितने से कम हुआ? 10 से, बराबर। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं? जी हाँ, 7। 7 अल्फा पार्टिकल हैं, तो एटॉमिक मास नंबर कितने, सॉरी, एटॉमिक नंबर कितने से कम होना चाहिए था? 14 से। बट हमारी कमी कितने से आई है? 10 से। मतलब कमी तो आनी चाहिए थी 14 की, लेकिन कमी आई सिर्फ 10 की। मतलब 4 किसी चीज़ ने बढ़ाया है, 4 किसी ने बढ़ाया है। वो कौन बढ़ाता है? जी हाँ, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है, एक बीटा पार्टिकल एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ाता है। तो टोटल यहाँ पे कितने बीटा पार्टिकल निकले होंगे? 4। लेकिन सर, आपने मास नंबर कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ अल्फा पार्टिकल कंसीडर किए, लेकिन एटॉमिक नंबर कंसीडर करते वक्त आपने अल्फा भी लिया और बीटा भी लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि बेटा बीटा पार्टिकल जो है वो मास नंबर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। और मैं वापस बताता हूँ, बीटा पार्टिकल जब भी एमिट होता है वो एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देता है। कितने से? 1 से। अब वापस एक फ्रेश पेज लेके एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, आपने देखा चेंज कितना है एटॉमिक नंबर में, 93 से 83, बराबर। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आप सम को जल्दी से पकड़ पाओ। टोटल कितने का चेंज हुआ? जी हाँ, 10 का। बट हमको पता है कितने अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए थे? 7। और एक अल्फ़ा पार्टिकल कितने से एटॉमिक नंबर को कम करता है? 2 से। तो 7 × 2 विल बी 14। अरे भाई, तो 14 से कम होना चाहिए था ना, मतलब 93 है, तो 14 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 79। 79 होना चाहिए था ना, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? 83। मतलब अल्फा पार्टिकल ने, 7 अल्फा पार्टिकल ने निकल के तो इतना किया, लेकिन फिर उसके बाद कितने बीटा पार्टिकल निकले होंगे? जी हाँ, 4। 4 बीटा निकले, जिससे एटॉमिक नंबर 4 बढ़ गया। ओके, तो टोटल अल्फा पार्टिकल 7 एंड बीटा पार्टिकल 4। आप देख लीजिए, इसी को उन्होंने थियोरेटिकली प्रूव किया होगा। द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेज द मास नंबर बाय 4। ये हम भी जानते हैं, वेयर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल डज नॉट अफेक्ट द मास नंबर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आप इसका सिंबल ही देख लें तो -1 ई जीरो, ई जीरो मतलब मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं। नेट डिक्रीज इन मास नंबर कितना हो गया? 28। दिस डिक्रीज इज ओनली ड्यू टू अल्फा पार्टिकल। क्यों? बीटा पार्टिकल तो मास में कोई चेंज लाता नहीं है। तो टोटल कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए? 7। नाउ द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 2 एंड बीटा पार्टिकल इंक्रीजेज बाय 1। नेट डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज 10। तो अगर 7 अल्फा पार्टिकल, तो इन्होंने वही बोला है 14 से कम होना चाहिए था, बट कितना कम हुआ? 10। मतलब 4 बढ़ा है, तो वो किसने बढ़ाया होगा? बीटा पार्टिकल ने। काफ़ी ईजी सम था, आगे वाला देखते हैं। द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब आप देख रहे हैं जुड़ना, मिलना, मिलना। इसमें कौन मिल गया? जी हाँ, ड्यूटेरियम मिला है हीलियम के आइसोटोप से और बना दिया उसने हीलियम, ठीक है, और एमिट किया है एक अल्फा पार्टिकल। अब इसमें आपको करना क्या है? एनर्जी रिलीज है, तो सिंपल सी बात है, आपको मास डिफेक्ट ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? मास डिफेक्ट। यहाँ पे
उन्होंने सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये देखिए सबका एटॉमिक मास दिया उन्होंने। अब आपको सिंपल करना क्या है, सबके एटॉमिक मास को ऐड कीजिए, मतलब रिएक्टेंट के एटॉमिक मास को ऐड कीजिए और प्रोडक्ट के एटॉमिक मास को माइनस कीजिए, ठीक है। रिएक्टेंट के एटॉमिक मास को ऐड कीजिए और प्रोडक्ट के एटॉमिक मास को माइनस कीजिए, जो भी डिफरेंस आएगा उसे 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये देखिए हमारे रिएक्टेंट कौन है, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का मास यहाँ पे लिया गया है। और क्या है, मास ऑफ हीलियम आइसोटोप, ये देखिए रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट का हीलियम और प्रोटियम, ठीक है, उसको पूरे को ऐड करके इन लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनल आंसर आया 18.35। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक क्वेश्चन है दिया है, हाफ लाइफ है पोलोनियम 209 का 102 साल, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड फ्रॉम 2 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम। अब देखिए इसमें उन लोगों ने पूछ दिया है कितना अल्फा पार्टिकल निकला है, कितना अल्फा पार्टिकल निकला है 2 मिलीग्राम से, ठीक है। तो हाफ लाइफ पोलोनियम का कितना दिया है, 102 ईयर, तो इससे सिंपल सी बात है आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा, ठीक है, लेमडा मिल जाएगा। तो लेमडा कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, लेमडा क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कितना, 102 ईयर है, तो 102 ईयर को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 102 ईयर में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 102 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले डेज से, तो एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़, और 365 डेज़ में मतलब एक डे में कितना आवर्स, 24, और एक आर में कितने सेकेंड, 3600, तो ये हमारे डीके कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी सेकेंड में। बट आप सर सेकेंड में क्यों कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए लेमडा का वैल्यू आ गया कितना, 2.154 × 10⁻¹⁰ सेकेंड। अब ये एन का वैल्यू है, ठीक है, ये एन का वैल्यू 2 × 10⁻⁹ × 6.022 × 10⁻², ठीक है। अब सर ये क्या है, 2 × 10⁻⁹, तो रुकिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे n में एक गड़बड़ दी है, ये देखिए ये जो 10⁻⁹ है ये होना चाहिए 10⁻³। अब ऐसा क्यों, ऊपर आप देखेंगे तो इन्होंने सैंपल में दिया है 2 mg, 2 mg मतलब 2 × 10⁻³ ग्राम, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है, आप कह सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक का, उन्होंने घाई घाई में ऐसा कर दिया है, तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर ये लेमडा से इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, तो लेमडा डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट मतलब किस स्पीड से वो डीके हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिया है उसने 2.154 × 10⁻¹⁰, इतने पोलोनियम पर सेकेंड डीके हो रहे हैं, समझ में आ, तो हमें तो कितना, कितने के लिए कैलकुलेट करना है, पर सेकेंड के लिए 2 mg के लिए, 2 mg के लिए, तो चलिए मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। 209 ग्राम जो कि पोलोनियम का एटॉमिक मास नंबर है, उसके अंदर कितने पोलोनियम होंगे, जी हाँ 6.023 × 10⁻²³, ऐसे ही 2 mg में कितना होगा, तो यहाँ पे 2 mg दिया है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में, तो 2 × 10⁻³ ग्राम, 2 × 10⁻³ में कितने होंगे n, चलिए अब n का वैल्यू ले लेते हैं, तो n क्या हो जाएगा, n को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमको, जी हाँ n इंटू 209 इज इक्वल टू वॉट, 2 × 10⁻³ − 3 × 6.023 × 10⁻²³, तो n क्या आ जाएगा, जी हाँ ये पूरा ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसा और डिवाइड बाई 209। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, ये 10⁻²− के −9 के बदले −3 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये कैलकुलेशन तो ठीक है, तो ये 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा ये कैलकुलेशन 2 × 6.022 मतलब सम ऑफ ऑल ये कितना हो जाएगा, 4 × 12.209 × ये हो जाएगा 10⁻²⁰, ठीक है। अब 10⁻²⁰ हो जाएगा, तो इसे मैं कितना ले लूँगा, जी हाँ
मैं इसको ले लूँगा 1024 इंटू 10^18 और फिर इससे डिवाइड करूँगा 209 से, और मेरा आंसर कितने टाइम चले जाएगा ये जी 5.763 इंटू 10^10 ये कितना हो जाएगा 18 जी हाँ। फिर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 10^18 18 तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 5.7 मतलब ये हो जाएगा समवट अराउंड 12.41 इंटू 10^8 जिसे मैं लिख सकता हूँ 1241 इंटू 10^6 तो ये एक्चुअल आंसर होगा। एक्चुअल ये आंसर गलत दिया है तो ये हो जाएगा 1241 इंटू 10^6 पार्टिकल पर सेकेंड, 6 पार्टिकल पर सेकेंड। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर फिजन हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस ओवर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस ओवर न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर एनर्जी गिवन पर गिवन मास ऑफ फ्यूल, मतलब जो फ्यूजन है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फ्यूजन के ऊपर क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। सिर्फ डिफ़िकल्टी इस बात की है कि फ्यूजन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो फ्यूजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, टिपिकली 10^8 केल्विन। आप समझ सकते हैं कितना हाई टेम्परेचर। बट सर आपने तो थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो बेटा मैंने बोला था टूटने का रेट, टूटने के लिए आपको टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है, किस रेट से उसकी स्पीड पे कुछ फ़र्क नहीं। लेकिन आप तो यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो, तो ये फ्यूजन रिएक्शन ठीक है, फ्यूजन ओके, इसमें टेम्परेचर इम्पॉर्टेंस रखता है ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को जो है मेन डाउट आता है ये ऊपर वाले न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसमें जो थी वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो क्या थी प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आप इसको वापस समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या पता किया, डीके कांस्टेंट ठीक है, लेमडा का वैल्यू पता किया, और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है मतलब कितना टूटा ओके। तो डीके कांस्टेंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे जी हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन, या फिर जो पार्टिकल का नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर सेकेंड कितना टूटता है वो पता चल जाएगा। जैसे इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ कि सपोज 2 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, मतलब 2 पार्टिकल पर सेकेंड टूटते हैं ठीक है। तो आपको जानना है, आपको जानना है कि अगर सपोज 1000 पार्टिकल्स है तो कितने टूट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, कितना हो जाएगा 2000 पर सेकेंड। सर ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ये कितना हो गया ओके। चलिए मैं इसे एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सपोज़ ये डीके कांस्टेंट जो हमारा आया था वो कितना था, डीके कांस्टेंट 2 × 2.154 × 10^-10 पर सेकेंड, हालांकि ये वैल्यू मैंने बहुत बड़ी ले ली थी ठीक है, इतने पार्टिकल टूटे थे पर सेकेंड में ठीक है। और हमारे पास टोटल न्यूक्लियर कितने थे, 5.763 × 10^ एटम्स थे ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1241 × 10^6 एटम्स पर सेकेंड। तो याद रखिएगा हमारे इस क्वेश्चन में जो मेन कन्फ्यूजन आया वो यहाँ पे आया, जो मैंने डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके कांस्टेंट को इतना बड़ा ले लिया, वो काफ़ी छोटा होता है ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड जस्ट keep on sharing with your friends so that they can comment, they can subscribe the channel, they can like the video, and I'll be more motivated to make more videos. Bye bye.